नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी भाई बहन अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वो भाई बहन सब्सक्राइब करके बेल को भी आल पर दबा लें। अब बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। सबसे पहले एक जानकारी आपके काम की आ रही है वो हम आपको बता दें, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ी हुई है और ये जो भर्ती आई है इंडियन आर्मी की है, वो भी की भर्ती है और महिला सोल्जर इसमें जो है मांगी जा रही है। तो फिलहाल के लिए 8 जून को यह आर्टिकल आ चुका है और यहां पर 100 पोस्ट हैं। अभी इसके बारे में आपको हम थोड़ी जानकारी सरसरी नजर में आपको बता देते हैं। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन वो 6 जून से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 20 जुलाई रखी गई है। कंप्लीट फॉर्म करने की जो है लास्ट डेट वो 20 जुलाई रखी गई है और कोर्स वगैरह स्टार्ट होगा अक्टूबर से आपका। इसके अलावा एप्लीकेशन की जो फीस है वो है ही नहीं, तो जो भी महिलाएं अगर भरना चाहें वो भर सकती हैं, तो यहां पर फीस नहीं है। तो ऐसे में आप ये भी देख सकते हो पेमेंट जो मोड है वो भी यहां पर लिखा है, नो एप्लीकेशन फीस वगैरह किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं मांगी जा रही। महिला भर्ती है तो फीस वैसे भी नहीं लगेगी। मिनिमम एज 17, मैक्सिमम एज जो है यहां पर 21 साल। तो 17 से आप 18 के 17 के हो चुके हैं, 17.5 यानी 17 साल 5 महीना वगैरह इसमें लिख दिया गया है, 17 से 21 आप मान के चलिए। और रीड टू जो है नोटिफिकेशन फॉर रिलैक्सेशन के लिए, और साथ ही जो है एलिजिबिलिटी के लिए जो डिटेल्स है वो भी दी गई, यानी 10वीं पास होना जरूरी है, 45% जो है नंबर होने चाहिए कम से कम, तो इस फिर आप फॉर्म डाल पाएंगी। अब दोस्तों चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर केवल महिलाएं ही आवेदन इसके लिए कर पाएंगी। और फिजिकल अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो हाइट जो है 152 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। रनिंग वगैरह के लिए एक जो है 1.6 किलोमीटर लिखा है 7 मिनट में और 7 मिनट 30 सेकंड में टोटल आपको दौड़ना है। लॉन्ग जंप जो है 10 फीट की है, हाई जंप जो है 3 फीट की है। ये चीजें आपको वहां पर देखी जाएंगी, तो अगर कोई चाहता है तो कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें अगली जो खबर है वो भिंड जिले से आ रही है, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में यहां पर मानदेय आ गया है। केपी सिंह रावत जी हैं, माता जी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजपति जो है राजवत वगैरह। तो यहां पर आपको बता दें उन्होंने मैसेज किया है, परियोजना राउन है उनके वहां पर, इनका मानदेय आ चुका है फरवरी का। इन्होंने कहा दिसंबर का आधा और फरवरी का केंद्र का सिर्फ 4500, राज्य का नहीं आया है और मार्च का आधा आया है, ऐसे करके उन्होंने मैसेज किया है। तो मुझे नहीं पता भाई आपके वहां काफी लेट चल रहा है परियोजना में, वरना मई तक का पैसा जो है काफी परियोजनाओं में मध्य प्रदेश में पहुंच चुका है। तो आपके वहां अगर दिक्कत है तो अपने वहां पर डीपीओ को लेटर वेटर जाकर के सभी बहनों को देना चाहिए, अगर इतने महीने पहले का ये पैसा आप बता रहे हैं। इनके अलावा आपको बता दें एक मैसेज ये भी है, ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का जब सत्ता में आई थी तब का एक ये जुमला है जो मैं आप लोगों के जख्मों को हरा कर रहा हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय होगा दोगुना, ऐसा योगी सरकार कह रही थी, अखबारों में भी सब छप रहा था। शोभित श्रीवास्तव लखनऊ से उन्होंने भी ये छापा था और इनका भी देखिएगा किसका कितना बढ़ेगा मानदेय भी लिखा हुआ था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का लिखा हुआ है 8000 तक, मिनी कार्यकर्ता 6000, आंगनबाड़ी सहायिका 4000, ऐसे करके उन्होंने लिखा हुआ था। तो यहां पर आप देखिएगा, लेकिन इसमें यह भी था कि सरकार ने अनुपूरक बजट में की है 623.59 करोड़ की अतिरिक्त की व्यवस्था, लेकिन वो व्यवस्था पता नहीं कहां चली गई। सरकार ने जो वादे किए वो जुमलों में बदल गए और आंगनबाड़ी बहनें खाली हाथ रह गई, और ऐसी सरकारों पर आखिर कितना और कब तक भरोसा किया जाए। अभी चुनाव आने वाले हैं तो सरकार फिर से आपको लुभाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएंगे और कहेंगे आपका ये बढ़ेगा, आपका वो बढ़ेगा, ऐसा करना भी स्टार्ट कर देंगी। और लेकिन ये पहले का मैंने आपको दिखाया है, आपके जख्म ताजा हुए हैं। जब सरकार सत्ता में आई थी तब भी सरकार ने यही कहा था, कमेटी वमेटी भी सब खेलती रही लेकिन बढ़ा कुछ नहीं। अब दोस्तों चलते आगे और आपको बता दें मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का एक बड़ा फैसला है। बिहार राज्य से बड़ी खबर है। बिहार में मुख्यमंत्री ने कहा कि जीविका दीदियों के बनाए गए जो लड्डू हैं और जो चूरन है वो घर घर बच्चों में बांटे जाएंगे। तो आपको बता दें आंगनबाड़ी केंद्रों पर टेक होम राशन की जगह अब पौष्टिक लड्डू वगैरह भेजे जाएंगे बिहार में, इससे जीविका दीदियों को भी रोजगार मिलेगा, ऐसा मुख्यमंत्री जो है यहां पर नीतीश कुमार ने अपना कहा है और फैसला भी लिया है। तो अच्छी बात है, देखते हैं ये कब तक लड्डू पहुंचते हैं, लेकिन ये बदलती व्यवस्थाओं के कारण कुछ महीनों की घपलेबाजी जरूर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको बता दें अजय कुमार भाई हैं, उन्होंने ये सारे मैसेज और कुछ जानकारियां भी भेजी हैं। अभी एक एक करके इन चीजों को हम आप सब भाई बहनों को दिखाएंगे। एक साथ आप लोगों को बता दें एक खबर ये भी देख लीजिएगा, नहीं कराया वैक्सीन तो अगले मास से रुक जाएगी पेंशन। जो कोरोना का टीका स्वैच्छिक था
जिसे स्वैच्छिक बता करके सरकारों ने धरातल पर उतारा, अब उसे जबरदस्ती जो है कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। प्रशासन ने कर्मचारियों को टीकाकरण के प्रचार प्रसार में भी लगाया है और टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर डीएम ने नाराजगी भी जताई है। तो यहां पर ये सब निर्देश वर्देश भी आ रहे हैं। अखबारों में देखिए रुड़की से जागरण में छपा हुआ है साफ लंबी हेडिंग में, तो आप देख सकते हो अब इन्हें जबरदस्ती लगाने के लिए बोला जा रहा है, जबकि जब वैक्सीन आई थी तो बोला गया था स्वैच्छिक है, लगवाना कोई चाहे तो लगवाए। अब इसके अलावा आपको बता दें एक खबर और आ रही है, यहां पर ज्ञापन सौंपा है राजेश सक्सेना, अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा से है हमारे, और इन्होंने अपने वहां से जो है ये लेटर वेटर दिया है। इनका यहां पर ये भी कहना है मंडल अध्यक्ष मोर श्री गुप्ता के आवास पर ये सब हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है अपनी समस्याओं को लेकर के ऐसे ही जो है अगर सभी भाई बहन ज्ञापन वगैरह सौंपते रहे तो शायद आंगनबाड़ी बहनों की आवाज एक बार फिर गूंजे। और एक बात और है, भाई लोग तो अगर जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों आपको भी सहयोग अपना करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है और आपके लिए ही है। अगर आप ही इसमें शामिल नहीं होंगी तो फिर कौन आपके लिए लड़ पाएगा? तो यहां पर आप भी अपनी एकता का परिचय दीजिए और एक साथ एक मंच पर कम से कम बने रहिए, वहीं से विरोध करना सीखिए। यूनियन की बहनें बटी हुई जो है वो इकट्ठा हो नहीं सकती, तो कम से कम ऑल इंडिया पर अपनी ताकत को तो एक जगह झोंक दीजिए। यहां पर तो सब एक जैसे हैं, हम तो किसी भी यूनियन के नहीं है, ना ही किसी को पर्सनली सपोर्ट करते, इसलिए हम किसी भी यूनियन के ग्रुप में भी नहीं है। हां, हमारे लिए सभी जो है उतने इंपॉर्टेंट है, जो कोई आगे बढ़ेगा आंगनबाड़ी की समस्याओं को लेकर के और जो ऑल इंडिया तक आएगा, तो हम यही चाहते हैं आप सब इकट्ठा रहे, एकता में रहे। और यहां से कम अपने वीडियो को लाइक शेयर और अपनी समस्याओं को कमेंट में लिखने के बाद में शेयर जरूर किया करें। इनके अलावा देखिएगा एक मैसेज आया, खुशबू तिवारी जी हैं, इन्होंने भी भेजा है, सुधांशु भाई बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आंगनबाड़ी बहन को 9 तारीख को, अभी 9 जून को कल ही मोबाइल मिला है और पावर बैंक भी उनको वहां पर दी गई है, तो यहां पर सुधा दुग्ध जो पाउडर है वो भी दिया गया है। अब आप सोचिएगा बिहार के मुजफ्फरपुर है, तो मुजफ्फरपुर में ये जानकारी निकल के आई है। खुशबू तिवारी बहन ने कहा है कि उनके वहां पर मोबाइल मिला, पावर बैंक मिली और दूध वाले पैकेट वगैरह भी दिए गए। अब इनके अलावा चलते हैं आगे, आपको एक और खबर बताते हैं, ये है उत्तर प्रदेश लखनऊ निदेशालय से एक बढ़िया जानकारी। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी को यह लेटर भेजा गया है और जनपदों के नाम अगर बताए जाएं तो अलीगढ़, फतेहपुर, महोबा, अयोध्या, अमेठी, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, झांसी, ललितपुर और मेरठ, बागपत तथा मिर्जापुर, इतने जिले हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, इनको छोड़ दीजिएगा और फिर जो बाकी शेष रह जाते हैं जिनके जिलों के हमने नाम उत्तर प्रदेश में नहीं लिए, तो उन लोगों को ध्यान देना है जिनके नाम नहीं लिए। हार्ट कुक्ड योजना के संबंध में आया है कि हार्ट कुक्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अनिवार्यता प्रेषित करते हुए सूचना घोषणा मांगी जा रही है। तो यहां पर सूचना के बारे में आपको हम प्रारूप बता दें, ये विभाग मांग रहा है और इसमें क्रम संख्या, जनपद का नाम, परियोजना का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड DIA पोर्टल के अनुसार जो है वो ग्राम पंचायत और वार्ड का नाम, निकटतम प्राथमिक विद्यालय का नाम, निकटतम प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर वहां से है, तो ये सब चीजें हैं। शायद आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय से संबद्ध करने को लेकर के ही ये वाला प्रारूप है, डॉक्टर सारिका मोहन निदेशक जी का ये लेटर आप देख सकते हो। हार्ट कुक्ड योजना भी संचालित हो पाएगी क्योंकि जब वो प्राथमिक विद्यालय के परिसर में होंगे तब इसमें आसानी हो जाएगी, जो वहां पर बनेगा वही उन बच्चों को भी साथ खिलाया जाए या एक साथ एक ही रसोई में खाना बन जाए, इसी सुविधा को देखते हुए ये लिंक करने की बातें चल रही और प्री प्राइमरी में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें एक मैसेज और आया है, भाई मैं उषा सोनी, परियोजना है इनकी खुजनैर, 7 से 3 वर्ष के बच्चे का पोषण आहार की जानकारी भर सकते हैं, बच्चे के सामने 3 बिंदु पर करने पर जो दूसरे नंबर पर जानकारी एंटर लिखा है, प्रथम में पोषक आपूर्ति वाला कॉलम है, उसमें पैकेट पर जो जानकारी दी गई है वह भर देंगे, यह जानकारी 24 दिन की जो है भरी जाएगी, कृपया भाई आप यह जानकारी बहनों तक पहुंचाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोलू खैड़ी सेक्टर से करेड़ी, ऐसे बहन ने लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उषा बहन को कि उन्होंने जानकारी बढ़िया भेजी है और जिन बहनों को जानकारी चाहिए थी उनके ये काम भी आएगी, एक यही सवाल इस मैटर पर आया था इसीलिए बहन ने भेजा है। इनके अलावा आपको बता दें ये रीता बहन है, रीता जो है सिकरबार वगैरह, इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, किन्होंने दिया है, भाई शकील अहमद जी हैं जिला अध्यक्ष आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन जनपद आगरा से, उन्होंने दिया है क्योंकि हमारी ये बहन आगरा से जो है रीता बहन, इनको सम्मानित किया गया है, तो ये गौरव की बात है उनके वहां पर, तो अच्छी बात है बहन को सम्मानित किया गया, लेकिन मात्र सम्मान तरह से जो ही आंगनबाड़ी बहनों के घर की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं ये सॉल्व नहीं हो सकती, विभाग को सम्मान पत्र के साथ में और सम्मानित होने के साथ साथ कुछ ना कुछ इनके खर्चे के लिए या उनको सम्मान पत्र में राशि भी देनी चाहिए, अगर ये चीजें सरकार और विभाग वाले अपनाएं तो हमें लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। आगे आपको बता दें एक मैसेज और ये आया है, महाराजगंज वगैरह से है, आंगनबाड़ी ललिता देवी जी हैं और उन्होंने अपने वहां पर राशन वितरित किया है। इनके अलावा एक
ये भी हमारे पास लेटर है, बलरामपुर में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने निकाला है 8 तारीख को, और इनका कहना है कि 17 और 18 तारीख को पूर्वाहन 11 बजे से अपराहन 1 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी और मुख्य सेविका आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इनकी पोषण की आवश्यकता, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा एवं व्यवहार परिवर्तन इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना है। आता आपको निर्देशित किया जाता है कि समय से ऑनलाइन प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें, जिसका लिंक आपको प्राप्त करा दिया जाएगा, और जिला कार्यक्रम अधिकारी बलरामपुर से उन्होंने ये लेटर निकाला है, तो आप लोगों ने ये भी लेटर देख लिया। अभी दोस्तों चलते हैं आगे, और आपको बता दें एक राजेश कुमारी बहन है बदायूं से, उन्होंने भी अपने वहां से राशन वितरण की फोटो भेजी है। इनके अलावा एक ये आंगनबाड़ी बहन है कौशल्या बहन आजमगढ़ से, उन्होंने भी अपने वहां से फोटो भेजी है। अब इनके अलावा आपको बता दें एक ये भी सरकारी आदेश है, इसे भी देख लीजिएगा, मेरठ से निकला है, 9 तारीख को कल ही मेरठ में जारी हुआ है। इसमें लिखा गया है कि जो है यहां पर जो आपके आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत विभाग की IGRS वगैरह पर उच्च अधिकारियों के पास लाभार्थी की शिकायतें आ रही हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा उन्हें राशन वितरण नहीं किया जाता है। यदि वह राशन देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से कहते हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उनका जो है गलत व्यवहार करते हैं, जिस पर मुख्य सेवक जो है मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा रोष प्रकट करते हुए निर्देश दिया गया है। राशन प्राप्त वगैरह करने को लेकर के 100% वितरण जो है लाभार्थी को कराया जाए, सत्यापन बाल विकास परियोजना अधिकारी करे और क्षेत्रीय मुख्य सेविका करे। यदि किसी आंगनबाड़ी केंद्र से लाभार्थी के द्वारा शिकायत की जाती है तो शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो आंगनबाड़ी बहनों जो आपके क्षेत्र के लाभार्थी हैं वो मेरठ में शिकायतें कर रहे हैं, और मेरठ में इसीलिए ये सख्ती भरा आदेश देखने को मिला है। वो कहते हैं कि आंगनबाड़ी से पूछो तो वो बताती नहीं है, राशन वितरण नहीं करती है, गलत व्यवहार करती है, ये सब चीजें हैं। तो गलत व्यवहार किसी के साथ मत करिए, उनको साफ सुथरा बताइए कि अब ये मैटर हो चुका है, ये सब बदल गया है जब आपके पास राशन ना आए। और अगर कोई लेकर के भी अपने पास रख लेता है तो भाई उनके लिए सुझाव नहीं है, ये उनके लिए जिनको राशन समय पर नहीं मिल रहे समूह के द्वारा। तो लाभार्थी को कहिए कि समूह वाले ने उपलब्ध नहीं कराया, आप भाई चाहो तो हमारे ब्लॉक पर जाकर के सुपरवाइजर से भी कह सकते हो और उनसे कहो कि समूह वालों पर थोड़ा दबाव बनाए और तब जाकर के राशन हम तक पहुंचाए और हम तुरंत बांट देंगे। तो अपने प्रति यदि आप एक सरल मीठी भाषा का प्रयोग करेंगे और उसके अलावा आप जो उनको समझाएंगे तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा, छोटा सा वीडियो, इसके अलावा